उम्मीद था कि टॉप 5 या टॉप 10 में आएंगे, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी कि रैंक 1 ही आ जाएगा। अच्छा, आज कैसे पता लगा कि आपका नंबर 1 पे स्थान आ गया, कैसे देखे? तो सर मोबाइल में लाइव देख रहे थे, तो वहीं पे आनंद किशोर सर ने बताया कि मृत्युंजय कुमार जीएम उच्च विद्यालय से फर्स्ट टॉपर आए हैं, तो बहुत खुशी हुई। सबसे पहले माँ को बताया, फिर दादा को, या को, और फिर से भैया को, सबको बताया, सबको बहुत खुशी हुई सर। हर बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया हुआ है, जिसमें पूरे बिहार में सबसे टफ जो है सिवान का लाल किया हुआ है। मेरे साथ सिवान के लाल मृत्युंजय मौजूद हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर। आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद हमें बधाई देने के लिए सर। अच्छा, इतना जो सफर रहा, आज बिहार में टॉप वन में आए हुए हैं, कैसा रहा? सर बहुत खुशी हुई, और पूरा सफर जो रहा चाणक्य स्टडी सेंटर के टीचर्स के साथ रहा, जिन्होंने हमें पढ़ाया और बहुत सपोर्ट किया, जिसमें दिवाकर सर मैथ पढ़ाते हैं, औरंगजेब सर यहाँ पर मौजूद हैं जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं, प्रकाश सर फिजिक्स पढ़ाते हैं, और बायोलॉजी साई सर पढ़ाते हैं। सबका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, और दिवाकर सर उनका टेस्ट लेना, वह भी बहुत ज़्यादा हम लोगों के एग्ज़ाम में सपोर्टिव रहा सर। अच्छा, ऐसा कयास था कि बिहार में नंबर 1 स्थान पर आ जाएंगे हम? सर मैंने कॉपी लिखा था, तो उम्मीद था कि अच्छा नंबर आएगा, और वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया गया था, वहाँ पर वेरिफिकेशन भी हुआ, क्वेश्चन भी पूछा गया हमसे, हमने बताया, उसके बाद से उम्मीद। अच्छा, मैट्रिक में भी आपका 15वां नंबर स्थान आया था, लेकिन अब की बार इंटर में नंबर 1 पे स्थान आया, इसको लेकर क्या कहिएगा? सर मैट्रिक में मेरा 15वां स्थान था, 471 नंबर टोटल था, और उसमें कुछ नंबर से मैं टॉप 10 में नहीं जा सका था, और उसका मुझे बहुत अफसोस भी था, लेकिन मैंने सोच लिया था उसी समय की कोशिश करना है कि 12 में इससे भी ऊपर जाएं, और वो मेरी कोशिश आज पूरी हो गई सर। लक्ष्य क्या है सर? आगे मैं UPSC की तैयारी करना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कुछ अपील कीजिएगा तमाम आपके जैसे युवा वर्ग जो लोग हैं, उनसे क्या अपील कीजिएगा? सर उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ाई करें, और आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है उससे बच कर रहे हैं, उसका हम सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो उसका सही से इस्तेमाल करें या फिर ना करें। अच्छा, जैसे रिजल्ट का पता है कि बिहार में नंबर 1 पे मेरा स्थान आया हुआ है, तमाम आपके आसपास के लोग जो है, तमाम मुखिया जो प्रतिनिधि, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, ये कैसा लग रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है सर, बहुत खुशी हो रहा है जी सर। क्या कहिएगा सर, आप इनके गुरु जो हैं, आपके जो छात्र हैं, बिहार में नंबर 1 स्थान पे आए हुए हैं? सर क्या बताऊं, ये तो बड़ी गर्व की बात है, गर्वान्वित हम लोग हो रहे हैं, बड़ी खुश हो रहे हैं, क्योंकि एक छोटे से प्रखंड से और हम लोग कोशिश किए, हम लोग अच्छे से पढ़ाए, जितना हम लोग जानते थे बच्चे को हर तरीके से ट्रेंड करने का काम किए, और देखिए आज नतीजा जो हुआ, हम लोग बन गए बिहार का फर्स्ट टॉपर। देखिए कहीं ना कहीं एक दिल में ख्वाहिश बनी रहती थी कि जिस तरीके से हम लोग अपने बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उन पर वर्क कर रहे हैं, एक ख्वाहिश थी कि कभी ना कभी ऐसा होता है कि हम लोग बिहार के फर्स्ट टॉपर बनते। देखिए अल्लाह का करम हुआ, और रमजान भी चल रहा है, और हम लोग जो है बिहार, उम्मीद था कि आपका छात्र जो है बिहार में नंबर 1। देखिए जैसे क्लास मैट्रिक का रिजल्ट आया, मैट्रिक बोर्ड का रिजल्ट आया, तो मैट्रिक बोर्ड में मृत्युंजय का 16वां रैंक आया, तो हम लोग के दिल में एक बात आ गई कि नहीं, अगर हम लोग थोड़ा और ज्यादा वर्क करेंगे तो मृत्युंजय बिहार में हो सकता है कि फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड पोजिशन ला सकता है। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपना काम ईमानदारी से किए, हम लोग बहुत ईमानदारी पूर्वक, सारे टीचर्स बहुत ईमानदारी पूर्वक बच्चों को पढ़ाए, लगातार हम लोग अपने अपने सब्जेक्ट का टेस्ट लिए, टेस्ट में बच्चे एक के बाद काफ़ी अच्छा करते चले गए, और एक दिल में था कि नहीं मैं तुमसे डेफिनेटली ही विल डू समथिंग बेटर, और देखिए आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं हम लोग। और युवाओं से क्या अपील कीजिएगा तमाम आसपास के जितने युवा? देखिए हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं जो क्लास 11th में और वो 12th में जा रहे हैं, उन सारे बच्चों से बस एक गुजारिश है कि आप कहीं भी पढ़िए, अच्छे टीचर का चयनित कीजिए, अच्छे टीचर ही अच्छे बच्चे बना सकते हैं। जैसे कहा जाता है कि अच्छा अगर शरीर है तो अच्छा माइंड है, तो अच्छा शरीर होगा, शरीर अच्छा होगा तो अच्छा माइंड होगा, तो अच्छे टीचर होंगे तो अच्छे बच्चे निर्माण करेंगे, ठीक है ना? तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है अच्छे टीचर का चयनित कीजिए, अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़िए, अच्छे जगह पढ़िएगा तो अच्छा अंक लाइएगा। देखिए, तो मेरे साथ गुरु जी थे जिनके द्वारा पढ़ाया हुआ मृत्युंजय लड़का है जो पूरे बिहार में टॉप आया हुआ है, सो नंबर 1 स्थान पर, साइंस विषय से नंबर 1 आया।